आज मैं कुसुम फल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो नमक मिर्ची लगा के बहुत खाया होगा आपने, लेकिन इसकी सब्जी भी एक बार ज़रूर खाइएगा। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आइए बनाते हैं। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं नंदा। अपने YouTube चैनल नंदा की सीजी बस्तर रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यही है कुसुम का फल जिसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूं आज। और ये स्वाद में खट्टा होता है और जब ये पक जाता है तो हल्का कम खट्टा लगता है। और देखिए इस तरीके से अंदर रहता है, तो इसी की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर आइए, हम छील लेते हैं इसे। तो देखिए इतना सा है जिसे मैं छील रही हूँ। और इसकी सब्जी की रेसिपी मैं कभी भी कहीं नहीं देखी हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारा था तो इसीलिए मैं इसकी सब्जी बना के ऐसे देखी तो बहुत टेस्टी लगा, तो इसीलिए मैं इसकी सब्जी की रेसिपी आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए सारे कुसुम को मैंने इस तरीके से छील लिया है। और आपकी तरफ भी कुसुम मिलता है क्या? और आप लोग कुसुम को किस नाम से बोलते हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए इसका छिलका इतना सा है, इसे साइड कर देते हैं हम। और यहाँ पर देखिए दो प्याज को मैं काट ली हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्ची लंबा लंबा फाड़ ली हूँ, अदरक लहसुन कद्दूकस कर ली हूँ और मीठा नीम की पत्ती भी ले ली हूँ। तो यहाँ पर हम हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल करके मिला लेंगे। तो सब आधा आधा चम्मच ही डाली हूँ, क्योंकि ये जो कुसुम का फल का एक जो गूदा है बहुत थोड़ा सा है, तो उस हिसाब से मैं आधा आधा चम्मच डाली हूँ। और ये सब मिक्स करेंगे ना तो इसमें से पानी निकलने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और देखिए तेल गर्म हो गई तो सबसे पहले हम सरसों डाल दिए। सरसों तड़कने के बाद यहाँ पर मैं जीरा भी डाल दी हूँ, और जीरा तड़कने के बाद यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो कद्दूकस करके रखी थी ना उसे भी डाल दी, और हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और प्याज वगैरह सब डाल करके बढ़िया से इसे हम भून लेंगे। और मीठा नीम पत्ती ज़रूर डालिए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे हम खट्टा सब्जी में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए जो कुसुम में सब चीज़ मिला के रखी थी ना उसको भी हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे झारा चलाते हुए से पका लेंगे। और टेस्ट में ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, और जितना आपको रसा चाहिए ना उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गिलास जितना पानी डाल रही हूँ। तो देखिए इसे अच्छे से पकाएंगे हम, जैसे हम चारू पानी वगैरह बनाते हैं ना या कढ़ी वगैरह, वैसे इसका टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। और आपको यदि कम खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। ढक्कन लगा के पकाने से होगा क्या कि इसमें जो अंदर में बीज होती है ना वो अपने आप ही निकल जाती है। तो इसे हम इस तरीके से पका लेंगे देखिए। और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 10 से 15 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अच्छे से ये पक जाती है। और देखिए झारा से इस तरीके से दबाएंगे ना तो इसके जो बीज होगा ना वो निकल जाएगा। वैसे तो पकते पकते इसका बीज पूरा निकल ही जाता है। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है गरम गरम चावल के साथ। तो देखिए ये अच्छे से पक चुका है और बीज देखिए निकल जा रहा है। तो यहाँ पर मैं धनिया डाल रही हूँ। और यदि आपको भी कुसुम मिलती है तो इस तरीके से इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। और मैंने YouTube में कभी भी कहीं भी नहीं देखा इसकी रेसिपी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग मेरी वीडियो को देख सके। आज की रेसिपी यदि थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए रहते तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो जल्द मिलती हूँ एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।